हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। सॉरी, इसमें हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट, यूपीपीसीएस, यहाँ तक कि जो भी वनडे एग्जाम होता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला यह सेशन। और इसमें हम भूगोल की प्रैक्टिस सेशन रोज़ 10 बजे लेकर के आते हैं और इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिस एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी निखरेगी और आप उतने ही कम चांस रहेंगे कि आप क्वेश्चन वहाँ पर गलत करें। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। चलिए देखते हैं आज के सेशन में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से किस में क्रिस्टलीकरण होता है, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित चट्टानों में से किस में क्रिस्टलीकरण होता है, कांग्लामरेट, सेल, चूना पत्थर या फिर बेसाल्ट, किसमें होता है? यह बेसाल्ट में होता है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और जो बेसाल्ट चट्टान है वह बारीक कणों वाली काली आग्नेय सेल है। यह जो है 90% यानी कि 90% किससे निर्मित होता है? ज्वालामुखी से निर्मित होता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी सेल के नाम से भी जाना जाता है। यदि यहाँ पे बेसाल्ट ना रख के ज्वालामुखी सेल रहे तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? पृथ्वी का आवर्तन, आर्द्रता में अंतर, तापमान में अंतर या फिर वायुदाब में अंतर। तो यह बेसिकली वायुदाब में अंतर के कारण ही पवनों का उत्पत्ति प्रत्यक्ष होता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस बायोम में शीतानुकूलित प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? आर्कटिक टुंड्रा बायोम, भूमध्य सागरी बायोम, भूमध्य रेखी बायोम या फिर मरुस्थलीय बायोम। तो यह होता है आर्कटिक में, जो टुंड्रा बायोम होता है उसी में होता है। ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले थे ओएच के स्पेट, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर या फिर रिचर्ड हार्टसन। तो यह प्रतिपादन किसने किया था? यह ओएच के स्पोर्ट ने किया था। ये ऑप्शन अपना सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक था? डब्ल्यू टी वाटसन तथा चार्ल्स एडवर्ड, जेम्स बोक, डब्ल्यू एस थॉमसन एवं एफ डब्ल्यू नोटेस्टीन या फिर क्लार्क। तो यह कौन है? यह है डब्ल्यू एस थॉमसन एवं एफ डब्ल्यू नोटेस्टीन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सूची से मिलाना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। बाकू, कुजबास, यूराल या फिर पूर्वी साइबेरिया, इसी को मैच करना है। तो बाकू क्या है? बाकू तेल क्षेत्र है। कुजबास बेसिन कहाँ पे है? यह जो है यह कोयला क्षेत्र है। और यूराल क्या है? यूराल जो है खनिज और लोहा से रिलेटेड है। और पूर्वी साइबेरिया हीरा। ए का चार, बी का तीन, सी का एक। ए का चार, बी का तीन, ए का चार, बी का तीन और सी का दो। ए का चार, बी का तीन, सी का दो, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये हमारा क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह को अपनी मांग की पूर्ति हेतु लौह के आयात की आवश्यकता होती है? पश्चिमी यूरोप, ब्राज़ील तथा कनाडा, जापान, पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा मैक्सिको। तो किसको आवश्यकता होती है? जापान, पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा। तो यह कहाँ पर है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषित भूमि का लवणीय भूमि में बदलने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक पशुचारण, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक सिंचाई या फिर गहन कृषि। तो क्या है? अत्यधिक सिंचाई है। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नहावन सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मंगलौर के पास, गोवा के पास, चेन्नई के पास या फिर मुंबई के पास। तो नहावन सेवा मुंबई के पास स्थित है। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। और यह इस पत्तन के दबाव को कम करने के लिए अनुषंगी पत्तन के रूप में यह भारत का विशालतम कंटेनर है, जो नवीनतम सुविधाओं से क्या है? युक्त है।
डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार या नियोजक ने चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स कोरा, फ्रैंक लॉयड राइट, एडविन लुटियंस या फिर ली कार्जू कार्बुजियर ने, किसने तैयार किया था, ये क्या था, ली कार्बुजियर ने। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। और इसी ने चंडीगढ़ का मास्टर प्लान तैयार किया था, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस सॉरी कौन भारत में नहरों की सिंचाई से संबंधित एक मुख्य परेशानी है, जलाक्रांति, तिलहन और दालों के उत्पादन क्षेत्रों में कमी, छारी और लवण भूमि के क्षेत्र में वृद्धि, या फिर डी है भूमि जुतों का विखंडन, तो क्या है, यह है जलाक्रांति, ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, गोदावरी, महानदी, कोसी या फिर बराकर। हीराकुंड नदी जो बनाया गया बांध बनाया गया है वह बनाया गया है महानदी पर, और कहाँ पे बनाया गया है, उड़ीसा में बनाया गया है, कहाँ पे, उड़ीसा में, ये भी आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि कोसी पर कौन सा बांध बनाया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पोलर जीनियल इक्वल ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र एरिया प्रक्षेप प्रतिपादित किया जाता है, जे एच होवर, जे एच नोमिन, जे एच मैकिंडर या फिर जे एच लैम्बर्ट के द्वारा, इसका प्रतिपादन किसने किया था, या जे एच लैम्बर्ट के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इनमें से नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन नहीं था, कुमारी सैंपल, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर या फिर ब्लास, कौन नहीं था, ये ब्लास नहीं थे, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः कितने डिग्री का अनुसरण करती है, 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री देशांतर तथा या फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यह अनुसरण करती है 180 डिग्री देशांतर का, पहला ऑप्शन हमारा सही है, आई होप इसको आप जानते भी होंगे। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर है 180 डिग्री देशांतर। कोस्मोग्राफी शब्द के को प्रतिपादित और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में किसने विभाजित किया है, रीटर, पैस्चल, हम्बोल्ट या फिर वारेनियस ने, तो यह किसने किया है, यह किया है हम्बोल्ट ने, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जान टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत किससे संबंधित है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से या फिर अंतराप्लेट, नवीन वलित वक्तों की उत्पत्ति से, कुछ गड़बड़ लिखा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से या फिर महासागरी धाराओं से, तो यह रिलेट करता है किससे, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से या फिर अंतराप्लेट से, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय हिमघाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, अधड़ हिम, पट या फिर पूर्ण हिम या फिर चौथा है आद्र हिम, तो कौन से सबसे विनाशकारी होते हैं, ये पट हिम, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अश्वचांश किस पेटी में स्थित है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब, ध्रुवी उच्च दाब या फिर उप ध्रुवी निम्न दाब, तो कौन सा है, ये वाला है बी, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या फिर भारत, तो यह पाया जाता है ब्राजील में, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला देश है, तत्पश्चात कनाडा, पहले ब्राजील है उसके बाद कनाडा है, उसके बाद जो है यूएसए है, ये तीन आप याद रखेंगे, कनाडा सॉरी ब्राजील, कनाडा और यूएसए, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेशन को यहीं तरह रखते हैं, गले में थोड़ी खराश है इस वजह से आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और कल इसको हम जो बचा हुआ है इसको अगले पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। धन्यवाद।